कृपया ध्यान दें, अगर आप MRI कराने के लिए जा रहे हैं, कोई भी लोहे का चीज लेकर ना जाए क्योंकि उससे आपको नुकसान हो सकता है। तो गाइस, ये वीडियो आने में इसलिए लेट हो रहा कि इससे पहले जो वीडियो हम लोग डाले हैं 16 जैन को, वो एडिट करने में काफ़ी लेट हो गया और काफ़ी काम में बिजी थे हम लोग। जब वसीम के घर पे शादी था, मैं बिजी था, तो इसलिए लेट हो गया। बात और बताना चाहता हूँ, अगर आप पिछला ब्लॉग नहीं देखे उसे जाके देखिए, उसमें भी मैंने कहा कि वीडियो क्यों लेट हो रहा, और जो अभी मैं शूट कर रहा हूँ ये सब कंसेप्ट लाने के लिए भी थोड़ा टाइम लगा हम लोग को, तो इसके वजह से हम लोग का वीडियो लेट हो रहा है और काफ़ी सारा ब्लॉग हम लोग के हाथ में, वो धीरे धीरे डालना है, उसमें भी कुछ शूट बाकी है तो वो भी करूँगा मैं। फिलहाल जल्दी ये वीडियो आ जाएगा। मेरा भी हमारे वो दम को भी डर लग रहा था, इसको भी आज बहुत डर लग रहा है। दिखा अब तक तो देखा कैसे लिए कपड़ा पे, कार्टून लग रहा है। अब फैसल का टाइम हो गया था MRI रूम के अंदर जाने के लिए और मुझे वेट करना था आधे घंटा बाहर, तो मैं क्या करूं, आधे घंटा वेट किया। हॉस्पिटल में वेट करना कितना बोरिंग लगता है सबको पता है यार, आधे घंटा वेट करने के बाद मतलब पूरा बोरिंग हो गया, नींद आने लगा। और आधे घंटे से पहले से हमारे फैसल MRI रूम में जाने के लिए फैसल वेट कर रहा था, कम से कम 2 घंटा हम लोग वेट किए, उसके बाद मैं एक्स्ट्रा आधे घंटा वेट किया, पूरा बोर हो गया यार। फैसल का MRI कराने के बाद शायक आया मुझे लेने के लिए और हम लोगों को जाना था साउथ सिटी मॉल, हम लोगों का पहले से प्लान था। जफर और समीर दोनों डायरेक्ट साउथ सिटी मॉल पहुंच गए थे और वहीं पे हम लोग मीटअप करने वाले थे, पहले से बात हो चुका था हम लोगों का। तो गाइस, आपको देख के लगता हुआ मेरा बियर्ड बढ़ चुका है, मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा है ये बियर्ड को कटवाने का, ये काम वो काम काफ़ी सारा काम था। आज संडे, आज टाइम मिला था मेरे पास, लेकिन मेरे फ्रेंड को लेकर जाना था MRI के लिए। बात यह है कि फैसल को थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम है MRI का, और वो MRI इसलिए करवा रहा है क्योंकि उसका स्पाइनल कॉर्ड में पेन है, तो डॉक्टर उसे बोले MRI करवाने के लिए। ये ब्लॉग मेरा MRI का नहीं है, यहाँ आना MRI करवाना मेरा फ्रेंड का, ये लाइफ का मेरा पार्ट है। तो जो आज मेरा लाइफ में होगा वो मैं आपको दिखाऊँगा ब्लॉगिंग के थ्रू, बस यही है और कुछ नहीं। और यहाँ से मैं कहीं जाने वाला हूँ। We are here to wish you a Merry Christmas. আর আমরা এখানে আপনাদেরকে সুসংবাদ শোনাতে এসেছি ক্রিসমাসের। वेट कर रहा है मेरा। Merry Christmas. जफर, यस, क्या खाना है, क्या ऑर्डर देना ये बता। जो वसीम खिला दे अपने दिल से वो खा लेंगे। वसीम कुछ नहीं खिलाने वाला, शायद क्या खाएगा बता। वसीम क्या बोल के लेके आया भाई, क्या भाई, चल हम पार्टी दे रहे हैं। ठीक है भाई, किसका पर्स से पैसा निकलेगा अभी पता। वसीम भाई हम नहीं खिलाने वाला, लड़का लेके आया तेरे पार्टी दे रहा है कि बोला कि हाँ भाई चलो पार्टी दे रहा है, बोला हमें भी साथ लेके चलो पार्टी में, नहीं कम में दे रही नहीं, चल रहा है यार। वसीम कुछ नहीं खिलाएगा, बाय द वे ही इज़ माई फ्रेंड और ये हमारा ब्लॉग में नया बंदा है, इसका नाम समीर है। हमारा वो बजट बढ़ गया, कैमरा मैन ये कैमरा मैन है, ये माइक मैन है और ये ड्राइवर भी है हमारा। जल्दी लाओ, जल्दी लाओ, भूख लगी है, भूख लगी है, जल्दी लाओ। मेरा वेटर मुजफ्फर हुसैन। मुजफ्फर, तेरा टाइम लगा बुलाने में बता दो। ये आधा घंटा, मतलब तू आधे घंटा से खड़ा था लाइन में बर्गर किंग का। लास्ट टाइम भी लंबा लाइन थी इसलिए उन्होंने खाया था ना। हाँ लास्ट टाइम नहीं खाए थे, चौमिन खाए थे बाहर में, याद है। हाँ तो याद है, काफ़ी दिन हो गया, वो एक महीने से ज़्यादा का दूर का टाइम था वो, अभी क्रिसमस का टाइम आया 2 बजे के बाद। मेरा भी क्रिसमस डाल दे भाई प्लीज़। डाल ले, वेटर समझ के रखा है ना। एक इसे ऐसे डैप करने का जाने को इधर, और ये ऐसे जा जा, बाय बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना। उसने मास्क नहीं पहना है, उसे पुलिस का डर ही नहीं है। इसे बोला था मैं मेरा जैकेट लेकर आने के लिए, लाया नहीं, इतना बड़ा दुश्मन है मेरा। चाहते हैं यार जल्दी तुम ठंडे से मरो, आबादी कम करो, पा रहे दुनिया में बहुत फालतू इंसान हो गया, तुम भी एक काम हो जाओ तो यार अच्छा ही है। आज हम लोग स्टैंड यूज़ नहीं किए, स्टैंड मेरे हाथ में, तो मुजफ्फर अभी यहाँ से निकलने का टाइम हो गया। सारा चलना है, सारा जाना है भाई, वॉशरूम भी आना है, चल रहा मेरे साथ। बस में है, बस में जा रहा भी है, वॉशरूम है, बस आने दो भाई। देख जा रहा है इसलिए जाना क्योंकि हमको बैलेंस शीट चेक करना है वहाँ का। हाँ मेरा कंपनी है यार, वो लोग बैलेंस शीट गलत करके दे रहा है बार बार, मेरा प्रॉफिट का पूरा हिस्सा ले रहा है वो लोग, समझ नहीं रहा है तुम लोग। इसको कुछ कहना है इस बात पे, बस इंसान भी
इसका नाइक का कंपनी में सोच लेते हैं कुछ कह दे रहा लोग। गाड़ी आया क्या हम लोग का? नहीं नहीं गाड़ी हम लोग अभी नहीं आया, अभी आने वाला है। तो ठंडा लग रहा है बहुत ज़्यादा, ठंडा लग रही है। हाँ कितना? 15 हाँ लग रहा है भाई। गाड़ी हम लोग का नहीं आ रहा है, सब तेरे वजह से हुआ, तेरे वजह से। अभी भी हम लोग साउथ सिटी मॉल के बाहर खड़े हैं और शायद चला गया घर। हाँ क्योंकि से घर जाना था। तो फाइनली की बस मिल गई हम लोगों को भाई, रुक जा रहा हम गिरंग की बस यार। चलो पीछे बैठते हैं, बीच में बैठ जाते हैं, हमको ठंडा लगेगा, ठंडा लगेगा बहुत ज़्यादा। मेरे हाथ ही स्टैंड है भाई, स्टैंड की जरूरत नहीं है हम लोगों को। सुनिए बंगाली सॉन्ग अंकल, पता नहीं क्यों देख रहे हैं हम लोगों को। बाय 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 बाय। अरे भाई क्या गंदा ब्रेक मार रहा है। कौन सी बस है वो? 223 है। तो हम लोग निकलते हैं यहाँ से। तो फाइनली वी रीच आवर डेस्टिनेशन इकबालपुर। घर मत आ जाना, बता दिया तो। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और ऐसे हमारा वीडियो आगे देखते रहिए। आगे और भी कंटेंट लेकर आएंगे और अच्छा अच्छा वीडियो लेकर आएंगे जो आपको अच्छा लगे, पसंद करेंगे। बाकी वसीम बताएगा आगे। और गाइज हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, और नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक करें, और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा, क्योंकि इससे ये समझ में आएगा कि हम लोग वीडियो कैसा बना रहे हैं। तब तक आप कमेंट करके बताएं तो हमें भी पता चलेगा कैसा बना वीडियो। तो गाइज चलते हैं, तब तक के लिए हम लोग चलते अलविदा लेते हैं। बाय, और हमारा वीडियो देखते रहिए।